अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नौबस्ता बाईपास चाइनीज उत्पाद भारत छोड़ो नारे के साथ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि आजादी के वक्त 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के आंदोलन शुरू किया था। उसी तारीख को शहर के व्यापारियों ने चाइनीज सामानों और कंपनियों को भारत से बाहर और सामानों के बहिष्कार करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद बड़ी मात्रा में चाइनीज उत्पादों और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पोस्टर जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान सभी व्यापारियों के काले कपड़े भी पहन रखे थे। वहीं प्रदर्शन कर रहे ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे को बुलंद किया था, उसी तरह से आज से उन्होंने चीनी सामानों और चीनी कंपनियों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है, जो आगे भी जारी रहेगा। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में माननीय महामंत्री प्रदेश के ज्ञान मिश्रा के नेतृत्व में जी ढंग से हमारे 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने पूरे भारत को आह्वान करके अंग्रेजों को छोड़ने का मजबूर किया था, आज पूरा कानपुर नहीं पूरा हिंदुस्तान का व्यापारी समाज आम जनता आह्वान 9 अगस्त को कर रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जो हमारे चीन की कंपनियों का जो सामान वितरित हुआ है उसको उत्पाद भी बंद किया जाए और माल को वापस किया जाएगा और किसी प्रकार आम जनता से आह्वान किया जा रहा है कोई भी चीनी सामान ना लिया जाए, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। आज 9 अगस्त को चीनी कंपनियों की जितनी भी हमारी घड़ी हैं, टेबलेट हैं, सामान है, क्या नाम है, टाइल्स हैं, उनके सारे सामान का जला करके बहिष्कार किया है और आह्वान किया आम जनता से कि 9 अगस्त को हम आह्वान करते हैं पूरे हिंदुस्तान में चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जाए, इनको सामानों को बाहर किया जाए, कोई भी आम जनता इन सामानों को ना खरीदे। 1942 को जिस तरह से हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी की तर्ज पर हिंदुस्तान के व्यापारी आम जनता एक आह्वान कर रही है कि चाइना उत्पाद भारत छोड़ो, चाइनीज कंपनियां भारत छोड़ो। 9 अगस्त 2020 अगस्त क्रांति का आज दिन है। हम हिंदुस्तान के सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि चाइनीज उत्पाद को हमें बाहर भारत के बाहर भेजना है और चाइनीज कंपनियों को भारत के बाहर भेजना है। ये कंपनियां जब तक वापस नहीं जाएंगी तब तक हमारी देश की अस्मिता, उसकी सुरक्षा पर कहीं ना कहीं खतरा बना रहेगा। आपको याद होगा कि हमारे 20 सैनिकों की शहादत अभी जून माह में हुई थी। चाइना ने जिस तरह से सन 1962 का वो युद्ध धोखा दिया, लगातार हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाइना हमको धोखा देता रहा है और धोखे से हमारे 20 सैनिकों की शहादत ली, हम भूले नहीं हैं और देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आज 9 अगस्त 2020 को याद करें, अगस्त क्रांति 9 अगस्त 1942 को याद करें। हिंदुस्तान से चाइना उत्पाद और चाइनीज कंपनियों को भारत से भगाना है, हमने आह्वान किया है आज चाइनीज कंपनियां भारत छोड़ो, चाइनीज उत्पाद भारत छोड़ो। आज अगस्त क्रांति के दिन और यहाँ चीनी राष्ट्रपति के बड़े बड़े कटआउट कंपनियां उत्पादों को जला करके ये आह्वान हमारे पूरे अगस्त माह चलेगा। देश की पार्लियामेंट इसी अगस्त माह में शुरू हो रही है, वहाँ पर भी हम जा करके चाइना उत्पाद को भारत छोड़ने और चाइना उत्पाद का बहिष्कार करने की देश के पार्लियामेंटियन से भी सांसदों से भी अपील करेंगे।